हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका फैंटासी डिसन चैलेंजर में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डुकाटी T20 लीग की बात करेंगे, जो कि मैच होगा यहाँ पर फर्स्ट अबू धाबी बैंक और यहाँ पर शहरम दुबई नाइट्स के बीच में। तो चलिए दोनों ही टीम के प्लेयर पर एक बार नज़र कर लेते हैं कि कौन से प्लेयर को हम लोग यहाँ से स्मॉल लीग में लेके जाएंगे, कौन से प्लेयर को हम लोग यहाँ से ग्रैंड लीग में पिक करेंगे, प्लस कौन सा प्लेयर हमारे लिए कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप के लिए बेस्ट चॉइस रहेगा, उसके बारे में बात कर लेंगे। पिच रिपोर्ट देख लेते एक बार, लास्ट में हमारी फैंटासी टीम भी देख लेते हैं कि कौन से प्लेयर को हमें लेके जाना है, कौन से प्लेयर को हम लोग यहाँ से ड्रॉप कर सकते हैं, सारी डिटेल्स इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो बात करें इस मैच की, इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि YouTube चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आपको YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि पूरी टूर्नामेंट हम लोग इसी YouTube चैनल पर कवर करने वाले हैं। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर पांडुचेरी T10 के वीडियोज़ मिल जाएंगे, विटालिटी ब्लास्ट शुरू हो गया उसके मैचेस के वीडियोज़ मिल जाएंगे यहाँ पर, और ECS T10 वगैरह भी वीडियोज़ मिल जाएंगे। तो सारे अच्छे मैचेस के वीडियो आपको यहीं पर मिलने वाले हैं। तो YouTube चैनल को सबसे पहले आपको सब्सक्राइब करना है, साथ ही में टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएगा, क्योंकि फाइनल अपडेट और फाइनल टीम जो भी रहेगी वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगी। और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक अटैच किया हुआ है, इनकेस अगर लिंक वर्क ना करे तो टेलीग्राम में जाके सर्च भी कर सकते हो, लेकिन मैक्सिमम ट्राई करना है आपको कि जो भी आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते हो वो आपको लिंक से ही ज्वाइन करना है। बात करते हैं इस मैच की, तो ये मैच शाम को 6 बजे शारजा क्रिकेट स्टेडियम शारजा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में खेला जाएगा। पिच रिपोर्ट की बात करते हैं तो ऐसे बैटिंग के लिए अच्छी पिच है, शॉर्ट बाउंड्रीज है और रन्स यहाँ पर ज़बरदस्त बनते हैं, इवन यहाँ से कई बार 250 के पार भी आंकड़ा बन चुका है, तो कई बार बनता है रन्स यहाँ पर बनते हैं। इवन पहले बैटिंग करने वाली टीम को एडवांटेज कहीं ना कहीं रहेगा, तो टीम टॉस जीत कर ऐसे पहले बल्लेबाजी करना पसंद करेगी। एवरेज स्कोर मैंने 140 प्लस मेंशन किया है, लेकिन ये आंकड़ा कभी भी 200 के प्लस भी जा सकता है। तो सबसे पहले ऐसे बात करते हैं FAD की, तो FAD की तरफ से ऐसे मोहम्मद तारिक जहीर और कार्तिक बी रामा मोहन दोनों ओपनिंग करवा सकते हैं, क्योंकि इन्होंने अभी रिसेंटली जो T20 टूर्नामेंट इन्होंने खेला इस टीम ने और वहाँ पर इन दोनों ने ओपनिंग करवाया, तो आई थिंक यहाँ पर भी चांसेस है कि दोनों ओपनिंग करवा सकते हैं। मोहम्मद तारिक जहीर की बात करते हैं तो इनका परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहा था, वैसे एक बार इन्होंने 64 रन की पारी जरूर खेली थी, तो इस प्लेयर के ऊपर आप लोग चाहो तो इनके ऊपर रिस्क ले सकते हो। बाकी कार्तिक भी रामा मोहन की बात करते हैं तो 141 मैच के करीबन 38 के एवरेज से 4800 से ज़्यादा रन है, वैसे लास्ट मैच के अंदर खेले भी थे, वहाँ पर इन्होंने 14 रन किए थे और रेगुलर ऐसे ओपनिंग में बैटिंग करता हुआ दिखेगा आपको। इस प्लेयर को आप लोग स्मॉल लीग में ग्रैंड लीग में दोनों में ट्राई कर सकते हो। जोएल डिसोजा भी अभी रिसेंटली खेले थे और ये ज़्यादातर वन डाउन में खेलते हैं, 77 मैच के अंदर करीबन 32 के एवरेज से 2014 रन है, 46 विकेट है, 125 ओवर्स की गेंदबाजी करते हुए। पिछली टूर्नामेंट के अंदर 2 मैच खेले जहाँ पर एक बार 23 रन किए, एक बार ऐसे 18 रन किए, तो ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। इनको आप लोग स्मॉल लीग में जरूर लेके जा सकते हो, जोएल डिसोजा को। मोहम्मद साबिर की बात करते हो तो इन्होंने अभी रिसेंटली मैच खेला, 3 मैच ही खेले लेकिन तीनों ही मैच के अंदर परफॉर्मेंस इनका ठीक ठाक रहा, हालांकि ये खेलता था टॉप में, तीसरे चौथे नंबर पर बैटिंग के लिए आ जाता था, तो इनको रिस्क के तौर पर ट्राई करोगे आप लोग ग्रैंड लीग वगैरह में ट्राई करोगे। बाकी रहमान गनी की बात करते हो, प्लेयर अच्छा है लेकिन परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहा था इनका भी, तो ये भी आपके लिए ग्रैंड लीग पिक ही बनेगी। बात करते हैं ऐसे सालों का कडानी रची की, ये खेले नहीं थे अभी रिसेंटली, जो टूर्नामेंट खेले थे वहाँ पर जो भी 3-4 मैचेस इस टीम की हुई वहाँ पर वो खेले नहीं थे, लेकिन अगर खेलेंगे तो टॉप में खेल सकते हैं, मैंने पर 6 नंबर पर मेंशन किए, बाकी यहां पर वो अपने क्लब की तरफ से 3-4 नंबर पर बैटिंग करते हैं। ओवरऑल 141 मैच के करीबन 41 के वजह से 4200 से ज्यादा रन है, करीब 4300 रन है, 22 विकेट है, 48 ओवर्स की गेंदबाजी करते हुए। तो सालू का काडानीराची अगर खेलते तो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट पिक बनेंगे, इनको हम लोग जरूर लेके जाएंगे। जिब्रान खलील अगर खेलेंगे तो ऐसे बैटिंग के साथ साथ ओवर्स वगैरह करवा सकते हैं, तो डिफरेंशियल में ट्राई कर सकते हो। बाकी साजिश सेवाकुट्टी की बात करते हैं तो टीम के कप्तानशिप करवा सकते हैं, 393 मैच के अंदर करीबन 23 के एवरेज से 7200 से ज़्यादा रन है, 229 विकेट है, अभी रिसेंटली इन्होंने जो टूर्नामेंट खेला तीनों ही मैच के अंदर यहाँ पर ज़बरदस्त परफॉर्मेंस किया, पहले मैच के अंदर 36 रन के साथ विकेट लेस रहे थे, फिर 41 रन के साथ 2 विकेट निकाला था और फिर लास्ट मैच खेले थे वहाँ पर 1 रन किया था लेकिन 1 विकेट जरूर निकाला था। तो ऐसे साजिद सिवाकुट्टी वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे और ये बंदा आपको खेलता हुआ दिखेगा। इनके अलावा ऐसे सैयद मुजाहिद डिफरेंशियल में ट्राई करोगे आप लोग, क्योंकि ये भी एक विकेट टेकर गेंदबाज है, क्योंकि रिसेंटली फॉर्म अच्छा है, 75 मैच के अंदर करीबन 29 के एवरेज से 1500 से ज़्यादा रन है, 56 विकेट है, बैटिंग से थोड़े से नीचे खेले थे यहाँ पर चांसेस है, देखो अपने क्लब की तरफ से वो रेगुलर 6 नंबर पर बैटिंग के लिए आते हैं, लेकिन पिछले टूर्नामेंट के अंदर थोड़े से नीचे खेले थे, हालांकि इनको ऊपर प्रमोट किया जा सकता है तो इस प्लेयर को हम लोग लेके जाएंगे। वसीम मंजूर मंजूर भट्ट है तो इनको डिफरेंशियल में ट्राई करेंगे। बाकी अजन कडामट्टिल की बात करते हैं, अजन कडामट्टिल यहाँ पर एक विकेट टेकर गेंदबाज है, 112 मैच के अंदर 116 विकेट है, राइट आर्म मीडियम फास्ट गेंदबाज है, डेथ ओवर्स वगैरह में गेंदबाजी के लिए आ सकता है।
पूरी ओवर्स करवाएगा हर एक मैच के अंदर। ये तो वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे ऐसे, कंडा मट्टिल तो इनको लेके जाएंगे। बाकी बेंच से कोई भी प्लेयर खेलेगा तो इनके स्टैट्स और अपडेट वगैरह टेलीग्राम में मिलेंगे, तो जल्दी से जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। अभी हम लोग बात करें एसडीके की, तो एसडीके की तरफ से यहाँ पर अब्दुल खालिक और एहसान सुल्तान दोनों ओपनिंग करवा सकते हैं। अब्दुल खालिक की बात करते हैं तो पिछली टूर्नामेंट इनकी जबरदस्त रही, 250+ की पारी खेली, 142 रन किए, तो वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे अब्दुल खालिक। इनके अलावा वैसे एहसान सुल्तान आपके लिए एक डिफरेंशियल पिक बन सकते हैं। 28 मैच के ना करीबन 37 की वजह से 837 रन है, विकेट कीपर बल्लेबाज है, तो अगर कोई चॉइस मिले तो ट्राई करिएगा। बात करते हैं यहाँ से बाबर आगा हुसैन की, जो कि पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। 4 मैच के अंदर उनके ODD के कुछ रिकॉर्ड मिले, जहाँ पर 167 रन किए हुए हैं। काफ़ी अच्छा प्लेयर है, भरोसा कर सकते हैं। अगर यहाँ से आपको खेलता हुआ दिखे तो हम लोग लेके जाएंगे इनको, क्योंकि तीसरे चौथे नंबर पर बैटिंग के लिए आ सकता है। राशिद मोहम्मद हबीबुल्ला रिसेंटली इतने अच्छे फॉर्म में नहीं, बाकी ओवरऑल प्लेयर जबरदस्त है। अगर आप लोग रिस्की खेलना चाहते हैं तो इस प्लेयर को अपनी टीम के अंदर लेके जा सकते हो, क्योंकि करीबन 32 के एवरेज से 3300 से भी ज़्यादा रन 125 मैच के अंदर, तो भरोसा कर सकते हो। जाहिद अमीर रेगुलर ओवर्स करवाते नहीं, लेकिन बैटिंग से आपको ठीक ठाक पॉइंट्स दे सकते हो, डिफरेंशियल में ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। बाकी यहाँ पर साइद उमर शाह और इरफान साजिद, इन दोनों में से किसी एक को आप लोग ट्राई कर सकते हो, क्योंकि दोनों ने आप देख सकते हो अभी रिसेंटली जो मैचेस खेला गया था वहाँ पर पहली मैच के चले, इसके बाद नहीं चले थे। अबू बकर खान वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, इनका पूरा नाम है अबू बकर मोहम्मद खान, जो कि राइट आर्म फास्ट गेंदबाज है। ये बंदा शुरुआत में भी आता है और डेथ में भी गेंदबाजी के लिए आता है। विकेट निकाली यहाँ पर 3 मैच के अंदर लगातार उन्होंने विकेट निकाली थी। अभी ये जो आप 2 मैचेस देख रहे हैं ना, वो खेले थे ऐसे शारजा 100 लीग के अंदर खेले थे, और इसके बाद अभी एक टूर्नामेंट के अंदर खेलते हुए नजर आए। तो विकेट टेकर गेंदबाज है, वैसे 66 मैच के अंदर 69 विकेट है, करीबन 15-16 की एवरेज से ठीक ठाक रन्स भी बना लेते हैं। तो बैटिंग से हमें इतना ज़्यादा एक्सेप्टेशन नहीं, लेकिन बॉलिंग से हमको इनसे बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेशन है, और हर एक मैच के अंदर ऐसे 1-2 विकेट लेते हुए दिखेंगे। सिकंदर मोहम्मद खान की बात करते हैं, जो कि विकेट टेकर गेंदबाज है, वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, डेफिनेटली लेके जाना है। राइट आर्म मीडियम फास्ट गेंदबाज है और रिसेंटली फॉर्म अच्छा है यहाँ पर, इन्होंने जो 3 मैचेस खेले वहाँ पर जबरदस्त परफॉर्म किया। बाकी बात करें हम लोग ऐसे वसीम अकरम भी एक अच्छे विकेट टेकर गेंदबाज है, ये भी ऐसे लेफ्ट आर्म फास्ट गेंदबाज है, और ये बंदा आपको डेथ ओवर्स में पक्का दिखेगा, तो वसीम अकरम वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। समीर चंद वेरी इंपॉर्टेंट पिक, इस प्लेयर को तो बिल्कुल मिस मत करना। इवन यहाँ से सजेस्ट करूँगा मैं, यहाँ पर इनको आप लोग कैप्टन वाइस कैप्टन भी कर सकते हो, क्योंकि सारे सामने भी लोकल प्लेयर है, और यहाँ से समीर चंद जो है अभी रिसेंटली एक बड़े क्लब में खेल के आ रहे हैं। आई थिंक ऐसे FM की तरफ से खेले थे वो, ऐसे आई थिंक ऐसे फ्यूचर मैट्रिक्स की तरफ से खेले थे, तो अभी इनका अनुभव थोड़ा सा ज़्यादा है, तो आप लोग चाहो तो इनको कैप्टन वाइस कैप्टन भी कर सकते हो। इनके अलावा बेंच से कोई भी प्लेयर खेलता है तो इनके स्टैट्स और अपडेट वगैरह टेलीग्राम चैनल पे पहुंचा दूंगा मैं आपको, ताकि आपको आसानी रहेगी चेंजेस वगैरह करने की, तो जल्दी से जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अभी के लिए देख लेते हैं हमारी फैंटासी टीम कौन सी रह सकती है, कौन से प्लेयर को हमें लेके जाना है और कौन से प्लेयर को हम लोग यहाँ से ड्रॉप कर सकते हैं। तो विकेट कीपिंग सेक्शन से अब्दुल खालिक और एस कडानीराची को लेके जाएंगे। देखो कडानीराची खेलेंगे या नहीं खेलेंगे वो तो क्वेश्चन मार्क है, अगर ये नहीं खेलते तो हम लोग यहाँ से एहसान सुल्तान को लेंगे। बैटिंग सेक्शन की बात करते हैं, जैसे वो सादिक उमर शाह है, मोहम्मद तारिक जहीर और जैसे बाबर आगा हुसैन को मैंने लिया है, जो कि हमारे लिए एक रिस्क है और मैंने इसको डिफरेंशियल में लिया है। बाकी आप लोग इनकी जगह पर शब्बीर को भी ले सकते हैं। और ऑलराउंडर सेक्शन में यहाँ पर एस सिवन कुट्टी है, जाहिद अमीर है और यहाँ पर यस मुजाहिद हमारी टीम के अंदर रहेंगे। यहाँ पर एक नाम ऐड हुआ है और वो है यहाँ पर फैसल बेग, ये बंदा अगर खेलता है तो सीधा हमारे लिए कैप्टन की चॉइस बनेगा अगर खेलता है तो। बाकी आप लोग यहाँ से राशिद मोहम्मद हबीबुल्ला को भी ले सकते हैं, डिसोजा भी एक ठीक ठाक चॉइस है आपके लिए, इनको ट्राई कर सकते हैं। अगर मोहम्मद इरफान खेलते तो इम्पोर्टेंस रहेंगे। बॉलिंग सेक्शन से यहाँ पर ए कडमट्टिल, मोहम्मद समीर चंद और यहाँ पर वसीम अकरम को लिया हुआ है मैंने, ऐसे आप लोग जिब्रान खलील को ट्राई कर सकते हैं, एन करकेरा को ट्राई करना चाहो तो कर सकते हैं। टीम की बात करते हैं तो टीम कुछ इस तरह से रहने वाली हमारी, कि कैप्टन मैंने किया ऐसे जाहिद अमीर को, वाइस कैप्टन ऐसे मैंने मोहम्मद समीर चंद को किया, जो कि बहुत ज़्यादा रिस्की है। सेफ चॉइस की बात करूँ तो ऐसे एस सिवन कुट्टी है, तो आप लोग जो सेफ जा रहे हैं यहाँ से सैयद, यहाँ पर एस सिवन कुट्टी को आप लोग कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो। बाकी मेरी टीम कुछ इसी तरह से ही रहेगी, हालांकि इसमें कुछ बदलाव वगैरह देखने को मिल सकता है, तो
हमारा जो भी चेंजेस वगैरह रहेगा वो सब करके फाइनल टीम जो भी रहेगी वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा, ताकि आपको आसानी रहेगी चेंजेस वगैरह करने की। तो जल्दी से जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको जो भी रहेगा वो नीचे टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आपको वहीं से जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को आप लोग लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों में, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आगे आने वाली और अच्छे मैचेस के वीडियो आपको यहीं पर मिलने वाले हैं। तो पूरा वीडियो देखते रहो, अच्छे से एनालिसिस करो, अच्छी सी अपनी खुद की टीम बना के अच्छी खासी विनिंग करते रहो। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।